हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आरके किचन में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं फिश करी बनाने के लिए। ये मैंने 1.5 किलो फिश धोकर ले ली हूँ। अदरक, लहसुन, मिर्ची, लाल मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, राई, कोथमीर और 2 कांदे लिए मैंने। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक लिए मैंने। ये मैंने कैरी ली हूँ, आप चाहें तो टमाटर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मसालों का फाइन पेस्ट बना लेंगे, तो इसलिए मैं जार में सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं, मिर्ची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। देखिए, पानी डालकर मैं एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। या मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम होने रख दी हूँ। ये मैंने आटा ली हूँ, इस तरीके से मैं मच्छी में आटा लगा लूंगी, एक्स्ट्रा आटा झाड़ लूंगी। तेल गरम हो गया, अब इसमें ऐड कर दूंगी मच्छी। इस तरीके से मैं दूसरी मच्छी भी अच्छे से आटा लगा लूंगी। इस तरीके से मैं सारी मच्छियों को तल लूंगी। ये देखिए, मच्छी एक साइड से तल गई थी, लाल हो गई थी, तो मैंने उसको पलट दी हूँ। यहाँ मैंने एक पतीली में तेल गरम होने रख दी हूँ। ये मैंने 1 चम्मच मेथी दाना ली हूँ। तेल हमारा गरम हो गया, अब इसमें मेथी दाना ऐड कर देंगे। देखिए हमारी लाल हो गई, अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। अब मैं मसाले में जार धोकर पानी ऐड कर दूंगी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दूंगी। मिक्स करके इसको मैं ढककर 10 मिनट के लिए भुनने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। साइड साइड से तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब मैं इसको खुला रखकर 10 मिनट के लिए भून लूंगी, ताकि मसाले की कच्ची स्मेल ना आए। अब मैं इसमें पानी लगा दूंगी। आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी लगाएं। देखिए, फिश हमारी सारी फ्राई हो चुकी है। इस तरीके से हमको लाल लाल फिश को फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें कैरी डाल दूंगी। मच्छी ऐड कर दूंगी। ये मैं सोए की भाजी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोथमीर भी यूज कर सकते हैं। सोए की भाजी ऐड करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम लोग सोए की भाजी ऐड करते हैं। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, फिश करी हमारी पक गई है। अब मैं गैस की आंच बंद कर दूंगी। ये देखिए, मजेदार फिश करी हमारी रेडी है। आप भी ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।